जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी जन्माष्टमी क्यूटनेस से ओवरलोडेड स्टार्ट हुई है। ये देखिए मेरे नटखट क्यूटी पाइज राधा कृष्णा कैसे सबका मन मोह रहे हैं। अब मैं अपने कृष्ण जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी के लिए रेडी कर रही हूँ, उनका पूरा सिंहासन और डेकोरेशन कर रही हूँ। लड्डू जी का जन्म ग्लोबली बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण जी वॉज बॉर्न इन मथुरा एंड ही इज अ वॉरियर, अ हीरो, अ टीचर एंड अ फिलोसोफर। अब मेरी आधी तैयारी तो हो चुकी है मेरे लड्डू गोपाल जी के बर्थडे के लिए, आधी अभी बाकी है जो कि है प्रसाद बनाऊंगी और मिठाइयाँ आएंगी, बाहर से भी आएंगी और फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, फ्रेश होते हैं। जैसा आप सब जानते होंगे कि कृष्ण जी विष्णु जी के आठवें अवतार थे। ही वॉज द 8th इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। और आज के टाइम में वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, हर कंट्री में जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं जहाँ पर इनके जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है टेम्पल का, इस्कॉन, उसकी स्थापना की गई। उनके लिए प्रसाद रेडी करते हैं और चलते हैं मेरी किचन की तरफ। सो फ्रेंड्स, पहला भोग है माखन मिश्री। मैंने क्रीम को बीट करना शुरू किया और उसका मक्खन सेपरेट हो गया। ये रेडी हो गया माखन। दूसरा भोग होगा पंजीरी धनिये वाली, जिसमें हमने जैगरी पाउडर लिया, कैश्यू, एमंड्स, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड रोस्टेड धनिया एंड थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट और लिया 1 टेबलस्पून खसखस। फिर मैंने एक कढ़ाई में लगभग हाफ कप घी लिया और 1 by 1 सारे ड्राई फ्रूट्स को उसमें भून लिया। अब ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने भुने हैं और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, हम उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये हम लोग 2 रेसिपीज में हाफ हाफ यूज करेंगे। नेक्स्ट मैंने फिर पाउडर जैगरी लिया और एक पैन में इसको मेल्ट होने रख दिया लो फ्लेम पर। आप साबुत धनिया को ग्राइंड कर लेंगे। इसको हम कोर्स ही रखेंगे, बारीक नहीं करेंगे। इसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम लोग ड्राई सॉटे कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। अब मेल्ट गुड़ में हम सारा ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। ड्राई एंड वेट, बोथ ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद में हम इस स्टफिंग को, इस डो को प्लेट आउट करेंगे और एक प्लेट में बटर लगाएंगे और उस पर इसको स्प्रेड कर देंगे। तो हमारी धनिया पंजीरी रेडी हो जाएगी। मैंने ये पंजीरी गुड़ से बनाई है, आप इसको चीनी से भी बना सकते हैं। अब तीसरा भोग हम बना रहे हैं नारियल के लड्डू, जिसके इंग्रेडिएंट्स होंगे ड्राई डेसिग्नेटेड कोकोनट, हाफ कप शुगर एंड 1 कप मिल्क। हमने कढ़ाई में कोकोनट पाउडर डाल दिया है और उसको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ हल्की सी खुशबू आनी चाहिए। फिर इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसको हमें खूब अच्छे से चलाना है जब तक मिल्क इवेपोरेट हो ना जाए और हमारा डो टाइट ना होने लगे। अब शुगर ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट तक और हम पकने देंगे। अब ये हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। अब ये लड्डू बनाने के लिए रेडी है। मैंने थोड़ा सा ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ येलो कलर डाला है, जिससे कि लड्डू येलो कलर के बने और कृष्ण जी को बेहद पसंद आए। सो अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ये आपकी चॉइस है, आपको क्या साइज ऑफ लड्डू चाहिए तो आप बना सकते हैं। मैंने इस साइज के लड्डू बनाए हैं। देखिए लड्डू बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे करेंगे रोल अपने ड्राई कोकोनट पाउडर में। सारे डो के लड्डू हम इसी तरीके से बना लेंगे और देखिए कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं। अब हमारे लड्डू सारे रेडी हैं। अब चलते हैं अपना चौथा भोग बनाने के लिए, जो कि है ड्राई फ्रूट एंड मखाना खीर। इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे रोस्टेड मखाना, बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने फ्राई कर लिया था पंजीरी के टाइम, एंड सोक्ड रेजिन्स। 1/2 लीटर बॉयल्ड मिल्क में हम सारा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और उसके बाद मखाना भी ऐड कर देंगे। बिलीव मी, दिस खीर इज वेरी यम्मी येट वेरी इजी।
अब लड्डू जी को प्रसन्न करने के लिए भोग बिल्कुल रेडी है, ड्राई फ्रूट की लड्डूज एंड धनिया पंजीरी। अब मुझे फ्रेंड्स लड्डू जी को स्नान करवा के उनको नई ड्रेस पहनानी है और उनको बर्थडे पार्टी के लिए रेडी करना है, तो हमारी जन्माष्टमी होती है स्टार्ट। और स्नान कराते वक्त फ्रेंड्स मैं एक ही भजन गुनगुना रही थी जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, अच्युतम केशवम। अगर आपको मेरी वॉइस सुनने लायक लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये मैं आपसे भी शेयर करूंगी अपना भजन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, माया शोदा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कैंडल की तरफ थोड़ा मेरे को लीजिए, बर्थडे बॉय अपनी बर्थडे पार्टी के लिए हैं बिल्कुल रेडी। फ्रेंड्स मेरी मम्मी भी चार लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं अपने बच्चे की तरह, और देखिए कितना प्रिटीली उन्होंने उनको आज सजाया है जन्माष्टमी के दिन। फ्रेंड्स जैसा आप जानते होंगे कि कृष्ण जी विष्णु जी के आठवें अवतार हैं, तो अब मैं आपको जन्माष्टमी का भी मतलब बताती हूँ। जन्म मीन्स बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड अष्टमी मीन्स आठवां दिन, आठवीं रात भद्रपदा मंथ की, जो कि अगस्त और सितंबर में ही फॉल करता है। तो और एक्साइटिंग फैक्ट्स मैं आपको ऑन द वे बताऊंगी। तो चलते हैं प्रभु के दर्शन करने, उनके छोटे स्वरूप में भी और उनके बहुत बड़े स्वरूप में भी, जो बिल्कुल मंत्रमुग्ध है और आपको मेस्मराइज कर जाएगा। तो चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स अब निकल चुके हैं हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना भव्य डेकोरेशन है, आप देखते ही खुश हो जाएंगे। राधे राधे प्रभु, ठाकुर जी की जय हो, जय हो। एक और एक्साइटिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ अपने कृष्ण जी के बारे में, कि उनका फेवरेट कलर, गेस व्हाट, नो गेसेस येट, उनका फेवरेट कलर है येलो, और आज मैंने भी कुछ येलो एंड धानी कलर के कॉम्बिनेशन में ही पहनने की कोशिश करी थी जस्ट टू शो माय डिवोशन टू हिम। सो उनको पीताम्बरी इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि उनका फेवरेट कलर है येलो। चलिए Stay tuned, अब हम पहुंचने वाले हैं मंदिर। आज आप मेरे साथ मेरे एरिया के इस्कॉन टेंपल के दर्शन करेंगे जहां पर मेला लगता है। ये मैं दर्शन की लाइन में जाके खड़ी हो गई और आप देख सकते हैं हजारों श्रद्धालु मेरे पीछे और हजारों ही मेरे आगे लाइन में खड़े थे दर्शन के लिए। जैसे जैसे कतार आगे बढ़ रही थी, कुछ कदम आगे बढ़ाते ही ऐसा लग रहा था जाने
कौन सा रिवॉर्ड हमें आज मिलने वाला है जैसे ही हम मंदिर की एंट्री करेंगे। किसी भी इस्कॉन टेम्पल की आप सिक्योरिटी देख लीजिए, इट इज कमेंडेबल। मंदिर की एंट्री पर ही आपको प्रसाद मिलेगा जो कि 100 रुपीज में मिलता है। मैंने भी प्रसाद खरीदा और आगे बढ़ चले। अब आप देख रहे हैं कितना मनमोहक सीन है और कितनी जनता है, सब लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। और ये बिग स्क्रीन लगी थी, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस आप देख सकते हैं जो कि मंदिर के अंदर चल रही हैं, वो आपको बाहर आराम से दिख पाती हैं। इस मंदिर की एक बात बहुत अच्छी होती है कि यहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं जो आपको जगह जगह पर पानी ऑफर करते हैं। मैंने भी वाटर बॉटल ली क्योंकि क्यू में लगकर बहुत प्यास लग चुकी थी। यहाँ की डेकोरेशन देखिए, देखने लायक होती है। और हमें बहुत लंबा चलना पड़ा मेन टेम्पल तक पहुँचने के लिए। एट लास्ट मेरी बारी आ गई लड्डू जी को झूला झुलाने की, मन खुश हो गया। मंदिर से बाहर निकलते ही इस्कॉन का यूथ फोरम था जहाँ पे कॉन्टेस्ट चल रहा था और बहुत सारे बच्चे एंड यूथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये लोग 6 सेशन सर्टिफाइड कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस बैनर पे नीचे डिटेल्स गिवन है। यहाँ के वॉलंटियर्स को देखकर हमें भी इनिशिएटिव मिलता है कि हमें भी सेवा करनी चाहिए। अब वहाँ पर एक मंत्रा रॉक डांस बैंड आया हुआ था परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे और कोई भी उसे ज्वाइन कर सकता है इस बैंड के परफॉर्मेंस में। जिसको डांस नहीं भी आता है वो भी झूम उठेगा। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई ज्वाइन करने से। जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, बट अपनी सोसाइटी का कीर्तन भी अटेंड करना था तो मुझे यहाँ से निकलना था। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग प्रसाद पाकर कृष्ण जी का इस्कॉन टेंपल से वापसी के लिए हैं। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा स्टॉप कहाँ होगा और कहाँ हमें कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स और मिल पाएंगी, आप भी इंजॉय कर पाएंगे। और बहुत ही अच्छी वाइब्स होती है, अच्छी फीलिंग होती है जब आप दर्शन कर लेते हैं और अपने हाथों से कृष्ण जी को झूला झूला पाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अब 9 बज चुके हैं और मैं आपको अपनी सोसाइटी के कीर्तन में ले चलती हूँ। यहाँ आंटी अपने भजन में मुझे भी छेड़ने लगी क्योंकि मैं दूर खड़ी होकर वीडियो ले रही थी उनकी। अपने मंदिर चलते हैं जहां बच्चों को मुझे ट्रीट देनी थी भगवान जी के बर्थडे की। ये देखिए, सब मेरे कहने से एक लाइन में खड़े हो गए और सबने बहुत कोऑपरेट किया। आराम आराम से मैंने सबको गुडीज बांटी, बच्चे बहुत खुश हुए और मुझे भी उतनी ही खुशी हुई। मैंने आज ये प्लान किया था कि इस्कॉन टेम्पल में एक्चुअली VIP पासेस होते हैं एंड दे कॉस्ट यू अराउंड 500 और समथिंग बक्स। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम VIP पास लेकर नहीं दर्शन करने जाएंगे मंदिर में, प्रभु के डायरेक्ट दर्शन नहीं करेंगे, हम लेंगे क्यू में लगेंगे और तब हम प्रभु के दर्शन करेंगे। ये डिसाइड किया हमने और हमने पास नहीं लिया इस बार। बट इन टर्न हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग मंदिर के बाहर जो नीडी बच्चे होते हैं, जो बच्चे घूमते रहते हैं और प्रसाद मांगते रहते हैं आप लोगों से, हम लोगों से, तो मैंने उनके लिए कुछ गुडीज परचेज करी मार्केट से एंड मैंने उनको भगवान लॉर्ड कृष्णा लड्डू गोपाल जी के बर्थडे पे उन्हें आज बर्थडे ट्रीट दी। मैं एंड आई फेल्ट सो इलेटेड, मुझे इतनी खुशी हुई इस स्टेप से। सो फ्रेंड्स,
हम लोग अगर ऐसी छोटी छोटी खुशियां ढूंढें और इन्हें फॉलो करें तो लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हम कर सकते हैं। 12 बजते ही जन्माष्टमी की पूजा स्टार्ट हो गई और भगवान जी को भोग लगाते हुए उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया। और ये था जन्माष्टमी का पूरा अवसर एंड त्योहार। इसमें हमें लॉर्ड कृष्णा की कितनी सारी ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद मिली हैं आज। सो हमेशा ऐसे ही मिलती रहे आप सभी को, हम सभी को, और हम जन्माष्टमी धूमधाम से ऐसे ही मनाते रहे। स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस।